ये कस्टमर का नाप है 31 फेस 28 23.5 क्रॉस 16 13 मोरी और लेंथ है इसकी 37.5। निशान लगाएंगे 7.5 के ऊपर। जब हम हमारी लेंथ का निशान लगाएंगे 1 इंच ऊपर निकालने के बाद में हमारी लेंथ है 37.5, तो हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। आप देख सकते हैं जब हम इसके निशान लगा लिए 37.5 है हमारी लेंथ, 37.5 पे 2 इंच हम इसके अंदर मार्जिनेट करेंगे, तो हमने 2 इंच इसमें मार्जिनेट कर दिया। तो हम सीधी स्केल लेके इसको बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। इधर लगाने के बाद हम इसको इधर सरका लेंगे जो हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, फिर हम ये सीधा ऐसे निशान लगाएंगे। ये सीधे निशान लग गया, ये 1 इंच हम हमारे डार्ट कर लेंगे, 1 इंच हम मार्जिन लेंगे पे इसका, तो हम इस पर यहाँ निशान लगाएंगे 10 के ऊपर। निशान लगाने के बाद में हम इसको यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे। हम इसके थाइस का नाप लेंगे 23, इसमें लूजिंग देंगे हम थाइस के अंदर फिक्स ली हुई है। हम इसमें लूजिंग ऐड कर रहे हैं, मैं इसके ऐड करने के बाद में हम इसको ऐसे सीधे खींच लेंगे यहाँ से। खींचने के बाद हम इसको हल्का सा ऐसा राउंड देते हैं, राउंड देने के बाद हम इधर से 1/2 इंच इधर ऐसे निकाल देंगे। अब हम इसको इधर से ऐसे नापेंगे, अब यहाँ से हमारा 13.5 हो तो हमें 13.5 इधर से भी निशान लगाएंगे। 13.5 के आधे 100.75, 13.5 के आधे। फिर हम इसकी मोरी देखेंगे कितनी लिखी हुई है, हमारी पैंट की मोरी लगी 13, तो हम 13 रखने के लिए यहाँ से लेंगे 3.5, ये 13 मोरी हो गई हमारी, 6.5 13। फिर हम ऐसी स्केल लेंगे शेप पट्टी, ये शेप पट्टी लेने के बाद हम इसके अंदर शेप दे देंगे पैंट के अंदर, ये हमने शेप दे दिया। फिर हम इसको यहाँ से ऐसे शेप दे देंगे, हम यहाँ से नापेंगे जिसका बीच कर लेंगे हम, ये आएगा अपना 5.25 एक फुट यहाँ से। फिर हम डार्ट का निशान लगा लेंगे, ये हमारी 1 इंच की डार्ट आ गई जो पेंट में डालते हैं हम। अब हम इसको ऐसे रख के देखेंगे, ये सीधा आना चाहिए, ऐसे सीधा आना चाहिए। फिर हम इसको हल्का सा क्रॉस कर देंगे यहाँ से इस तरीके से क्रॉस कर। अब हमने इसको फ्रंट को इसके ऊपर रख लिया, अब हम इसके बैक के पल्ले की कटिंग करेंगे। हम यहाँ से निशान लगाएंगे, ये 2 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद में हमें ये स्केल लेनी है, यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे 2 इंच के ऊपर, एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 2 इंच के ऊपर, एक यहाँ पे लगाएंगे 2 इंच के ऊपर निशान हम। फिर इस पर पूरे पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे सीधे सीधे, 2-2 इंच के ऊपर हम ऐसे निशान लगा लेंगे, ये हमारा सीधा हो गया। फिर इसको स्केल से ऐसे हम सीधा कर लेंगे, ये सीधा हो गया। फिर हम इसको यहाँ से कर लेंगे सीधा, मारिक इधर से हम कर लेंगे, ये हमारा सीधा मारिक लग चुका है। अब हम इसको सीधा कर देंगे यहाँ से, हमने 2 इंच का निशान लगाया ना ये, अब इसको हम इसको एक रखेंगे ऐसे सीधे, ये सीधे रखने के बाद हम ये सीधे ऐसे निशान लगाएंगे। फिर ये जो हमने ये जो निशान लिया था इसके ऊपर रखेंगे 2 इंच का ये वाला, और इसको इस निशान से मिलाएंगे ऐसे करके, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी कटिंग करनी है, आपकी पैंट कभी घूमेगी नहीं और पैंट में कभी आपके ऑल्ट्रेशन नहीं आएगा अगर इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे ना। और ये जो हमने मार्जिन दिया ना, ये इसलिए दिया है मानो कभी कस्टमर को कहीं से टाइट हो तो हम देख सकते हैं। आपको करना है ये, हमने ये निशान लगा लिया इसका ये सीधा, अब हम इसके अंदर मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच का, हमने 1.5 इंच का इसके अंदर मार्जिन रख लिया है। ये हमारा मार्जिन रहेगा पेंट सिलते वक्त, आपको ध्यान रखना इसको और इससे मिला के रखना, यानी 1.5 इंच निकाल के आपको इसकी गिदरी जोड़नी है। ये जो 1.5 इंच हमने रखा है ना, ये मार्जिन है, ये हमारा मार्जिन है, ये इसको इस तरीके से बंद होगी यहाँ पे, और इसको इस तरीके से हमें शेप उठाना है, ये लटक का बस,
ये हमारा शेप आ गया। तो आपको भी इसी तरीके से कटिंग करनी है आपकी पैंट की, ठीक है। ये हमारा आएगा 15.5 यानी 31 इंच की हमारी कमर है, तो ये आएगा हमारा 15.5। तो हम इस पर लिख देंगे यहाँ पे 15.5, ठीक है। यहाँ पे 13 है तो हमने यहाँ पे मोरी लिख दी इसकी 13। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे जिस तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं, आपको भी इसी तरीके से कटिंग करनी है। ये देखिए आप, ये हमने इसकी कटिंग कर ली गिदरी की। अब हम इसको इधर से कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसको इधर से कटिंग कर ली। अब ये हमारी पेंट इधर से भी कट चुकी है। अब हम इसके ऊपर ये हमारी जो चक्री है लगा देंगे, हम इसको इधर से भी लगा देंगे। अब जब आपको पेंट की गिदरी आप बंद करें ना, तो आपको ऐसे इसको मिला के बंद करना है। देखो आप इस तरीके से आपको बंद करना है। ये मार्जिन हटेगा, ये आपको यहाँ से ही रखना है और यहाँ सीधे टाकर लगा देना है 1.5 इंच निकाल के। पेंट आपकी बिल्कुल परफेक्ट आई है। ये हम पेंट की पॉकेट काट रहे हैं, मैंने ये निशान लगा लिया। आप देखो ये हमने रखा है यहाँ से 6 इंच, यहाँ से हमारा 7.5 इंच है। लेंथ इसकी आएगी 14.5। तो मैं अब आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ, और आप हमारे चैनल को लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं ना, वो सिर्फ 5 चैनलों के सब्सक्राइब करके, और मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर दूंगा उसके ऊपर स्क्रीनशॉट भेज देना, तो मैं क्या है आपको ज्वाइन कर लूँगा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊँगा और आपको कुर्ते की कटिंग करना बताऊँगा,